सो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ। बाकी मेरी विंडो से कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे दिखता है जो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था, लेकिन अभी मुझे एक बात बतानी है इम्पॉर्टेंट आपको। पहले अभी आप देख लो कि ये घर कितना बिखरा हुआ अभी आपको लग रहा है। यहाँ पे ये टीवी वीवी सब कुछ था, सब मैं सोच रही थी सब सेट करूँगी अच्छे से। यहाँ पूरी अलमीरा मुझे दी गई थी, अभी मैं हाउस टूर आपको ऐसे ही दे रही हूँ। यहाँ पे ये वॉशरूम था और यहाँ पे ये किचन थी। ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं ये मैंने ही की है, दो बैग्स मेरे नीचे जा चुके हैं और मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ। और मैं बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हूँ, रुको मुझे सही होने दें, बैठ जाती हूँ और वेलकम करती हूँ, फिर अच्छे से बताती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि मैं इसका हाउस टूर देने वाली थी, लेकिन रात को मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कल के ब्लॉग में, जो आपने देखा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शांति बहुत फील हो रही थी और मेरे आसपास भी नेबर्स ऐसे नहीं दिख रहे थे मुझे जिनसे थोड़ा बहुत भी अंदर बाहर जाऊँ तो बात हो सके या कुछ हेल्प के लिए मैं पूछ सकूँ। तो मुझे ना ऐसे हो गया कि नहीं, मुझे ऐसी जगह चाहिए, स्टूडियो ही चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा ना आसपास में मुझे मिल जाए नेबर्स, जिसमें थोड़ी गर्ल्स वगैरह हों, मैं बातें कर पाऊँ। यहाँ तो हद से ज़्यादा शांति थी, हद से ज़्यादा। तो कल रात को ही मैंने उनको कॉल किया जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये स्टूडियो दिलवाया था। उन्होंने कहा हमारे पास 2-3 स्टूडियोज़ और हैं, तो वो भी आप देख लें। तो वो मैं जस्ट अभी मैंने पिक्चर्स मंगाई थी और मुझे एक बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फटाफट अपना सामान पैक किया और अभी मैं उधर मूव कर रही हूँ। तो मैं जो पूरा हाउस टूर दूंगी आपको उसका दूंगी, ये तो आपने देख ही लिया जैसे तैसे, पर वही है कि ये बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ शांति बहुत थी और व्यू भी बहुत सुंदर था। सब कुछ बहुत पास पास था, लेकिन उस वो भी बहुत दूर नहीं है। ये मैं इधर हूँ, वो उधर है सामने। तो ये JLT है, वो मरीना है, लेकिन है दोनों एकदम आमने सामने। तो अभी मैं मरीना जो है शिफ्ट हो रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, फिर वहाँ पे जाकर सीधा कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा हाउस टूर ही दूंगी। और बस क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रहना है तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा मन भी ना लगे और ऐसे मैं कुछ भी ढंग से कर ना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे दिन हैं, तो सब सोच समझ के करना है। मुझे ना इससे डर लग रहा था गाइस, देखो यहाँ पे सब सुनसान है, पता ही नहीं कौन कौन रहता है, और यहाँ मैं थी। तो अभी मैं कैब का वेट कर रही हूँ और पता नहीं कितनी देर में आएगी। मास्क पता नहीं क्यों पहन लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये मेरे फेस से भी बड़ा है, पर ऐसे ही मन था पहनने का तो पहन लिया, क्योंकि मुझे लगा मैं सोकर उठी हूँ ना तो फेस बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। गाइस अब टैक्सी चेक करो, क्या यार ये कहाँ से टैक्सी लग रही है। सो गाइज, वैसे यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट एंटर विदाउट फेस मास्क, तो मैंने ना यही पढ़ के मास्क ले लिया था, पर ऐसा किसी को मैंने देखा नहीं मास्क पहने हुए। रिसेप्शन पे खुद भैया ने मास्क नहीं पहना हुआ है जो इधर बैठे हैं। ये मेरा सामान धीरे धीरे जा रहा है। गाइज इस बिल्डिंग को देखने के लिए मुझे बहुत 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 एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, आप भी देखो। सो गाइज मैं उस साइड आ गई हूँ जहाँ नया स्टूडियो है, और यहाँ का जो बाहर की लोकेशन है वो कुछ ऐसी है। अभी बाकी ऊपर जाके देखते हैं। गाइज अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी है, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी और सामान भी सारा ऊपर जाएगा। फिर आपको दिखाती हूँ कि ये वाला जो नया मैंने लिया है स्टूडियो ये कैसा है, क्योंकि मैंने भी सिर्फ पिक्चर्स में ही देखा है, रियल में नहीं देखा है। सो गाइज जिस बिल्डिंग में अभी मैंने अपार्टमेंट लिया है ना, वहाँ से व्यू लगता है कुछ ये। मैं नीचे आ गई थी क्योंकि यहाँ पर पूल एरिया भी दिया हुआ है, और ये वाली बिल्डिंग है जिसमें मुझे रूम मिला है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा मन हुआ कि पहले नीचे से ही आपको सब चीज़ें दिखाऊं कि कैसा है यहाँ का व्यू, उसके बाद आपको रूम का टूर दूंगी। मतलब जैसा मैं चाहती थी ना बिल्कुल वैसा ही मिला है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे ना रात को इसको देखने का मन है। अब मुझे कहीं दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का व्यू इतना सुंदर है। ये पूरा आप देखो, ये मरीना है। तो नीचे मतलब जिम भी है और पूल भी है और इतना सुंदर व्यू भी है और रूम तो इतना ज़्यादा सुंदर है। लेकिन जो पहले स्टूडियो था बस वो प्राइवेट था, यहाँ पे जो किचन है वो कॉमन है, लेकिन ये रूम उससे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। और अभी मैं पूरा यहाँ पे घूम रही हूँ कि नीचे क्या क्या और चीज़ें हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे मिली हैं, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी और आपको प्रॉपर रूम टूर दूँगी। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा है, आप बिल्कुल बोर नहीं हो सकते यार, सच्ची में नहीं हो सकते। बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही अच्छा सा व्यू है। सो गाइज ये पूल एरिया है,
और गाइज ये जिम एरिया है लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आई गेस ये लिखा हुआ है, देखो फोटोग्राफी एंड जो भी आपका अलाउ नहीं है। तो यहीं पे नीचे जिम भी है। अब मैं सबसे नीचे आ गई हूँ और अभी बाहर जाकर कुछ खाने पीने के लिए देखने वाली हूँ। और गाइज ये जो बाहर इतनी भीड़ आपको दिख रही है ना, ये किसी मूवी की शूटिंग है। यहाँ पे रिसेप्शन पे वो बता रहे थे तो इनकी कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। तो गाइज ये यहाँ पे ही शूट हो रहा है, समझ आ नहीं रहा है वैसे कौन सी मूवी है। मन तो है पूछ लूँ कि मूवी कौन सी है, तो मैं देख लूँगी ना, बता पाऊँगी कि मैंने इसकी शूटिंग देखी थी। अच्छा सो गाइज अभी आप एक्टिंग स्किल्स चेक करें मॉडल की, वो हीरोइन है जो हक कर रही है उसको, और बस चलते हैं। अब ज़्यादा ना ब्लॉग करने में शर्म ही आती है ऐसी जगह पे। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो अब खुद ढूंढना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। खुश हो गई अपना इधर आकर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था पहले दिन तो, लेकिन रात को नहीं, अजीब लग रहा था, बहुत शांति शांति थी। और गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने बड़े ऐसे आप लोगों को बताई थी कि मैं ये लेकर आई हूँ ज़ारा से, इन्होंने भी ना ज़ारा वारा कुछ नहीं है, मैं इतने दिनों से ज़ारा ब्रांड को प्रमोट करती आई हूँ ना, पर मैं आज खुद बोल रही हूँ उसके स्लीपर्स मैंने एक दिन पहनी है और मेरा पैर पूरा रेड हो गया। तो अभी मैं सबसे पहले स्लीपर्स लूँगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। सो गाइज यहीं पे ये ट्रैम स्टेशन है तो मैं इसमें भी ज़रूर जाऊँगी, पिछली बार तो मैं गई नहीं थी इसमें। यार ये तो बड़ा सही लगा मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उधर स्टूडियो लेकर, लेकिन ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है। यार मैं स्लीपर्स लेने आई हूँ लेकिन बहुत ही खूबसूरत चप्पल लग रही है, ये ले सकती हूँ। सो गाइज ये यहीं पे पास में सब कुछ है तो मैं सोच रही हूँ कि स्लीपर्स भी ले लूँ और जो सामान कल रह गया था वो सब भी ले लूँ। बेडशीट्स भी हैं, चलो फाइनली यहाँ सब कुछ मिल गया है तो एक बेडशीट और ब्लैंकेट भी यहीं से ले लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मुझे सब कुछ एक ही जगह मिल गया है, मैं काफ़ी खुश हूँ अब। तो मैं धीरे धीरे पहले घर का जो सामान था वो रह गया था वो ले लेती हूँ, फिर आप लोगों को लास्ट में सब दिखा दूंगी। सो गाइज फाइनली मैं वापस रूम पर आ गई थी और अभी मैंने आपको पूरा ये हाउस टूर दिया नहीं है। हाउस तो क्या यार, ये रूम टूर है, मैं दूंगी लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। तो मैंने आकर शाल लिया और मैं रेडी हो गई और अभी मैं जा रही हूँ फाइनली डिनर के लिए। रात हो गई है, रात नहीं हुई है वैसे, शाम हुई है और मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था आज। पूरा उधर से इधर आना, सामान लगाना और ये सब करने में ही सारा टाइम निकल गया है। तो अभी पहले कुछ खाऊंगी पीऊंगी, उसके बाद प्रॉपर शांति से आपको ये पूरा जो रूम का टूर है वो अच्छे से दूंगी, ठीक है। अब गाइस सबसे मज़े की बात आपको बताती हूँ कि घर बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मरीना बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो मुझे वापस या तो JLT जाना पड़ेगा या मैं दिखा नहीं पाई, वो इतनी फास्ट निकल गई, या JBR जाना पड़ेगा या फिर और इधर उधर जगह बताइए, लेकिन मरीना में कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। तो अभी मैं मतलब क्या, मेरे को पहले ये क्यों नहीं दिमाग में आया कि इसके आसपास मुझे सबसे मेन चीज़ खाना चाहिए। तो अभी देखती हूँ कितनी दूर पड़ता है खाने की जगह, वो बताती हूँ आपको। सॉरी गाइज मैं फिर से ये बिल्डिंग्स आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। सो गाइज सब कुछ समझ नहीं आया तो मुझे लेनी पड़ी है टैक्सी खाना खाने के लिए। मतलब अभी मैं घर वापस आकर ना सारी चीज़ें बताऊंगी आपको कि यहाँ आकर क्या क्या मुझे फेस करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने खाना ही है जिसके लिए दूर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेली तो मैं चाइनीज़ नहीं खा सकती। बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, और आज पूरा दिन ही मुझे वैसे ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि मैं बाहर ही बाहर घूम रही हूँ। तो अभी बस खाना खाने के बाद ना मैंने सोचा है कि और अच्छे से पता करूँ कि आसपास भी क्या पता कुछ तो रेस्टोरेंट हो, बट उन्होंने मना ही करा है मरीना में कि नहीं है, आपको यहीं जाना पड़ेगा JLT JBR या जो भी जगहें हैं। तो JLT का तो मुझे नॉलेज हो गई है, दो दिन मैंने जैसे वहाँ स्टे किया है, तो अभी तो मैं वहीं जा रही हूँ, टैक्सी करके वहाँ जाऊँगी। ये तो फिजूल खर्चा है ना गाइस, ऐसे यही होना चाहिए था कुछ। देखूँगी यहाँ पूछूँगी, क्या पता जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे भी। अच्छा मैं कुक भी तो कर सकती हूँ, सॉरी अभी मैं थक गई थी ऐसे, मैं कुकिंग नहीं कर पाई, लेकिन मैं सामान लेकर कुकिंग करने का ट्राई करूँगी। गाइज मैं इधर पहुँच गई हूँ टैक्सी से, और सबसे मज़े की बात कि मैंने यहाँ से शिफ्ट किया है और आप देखें कि मैं खाना खाने इधर ही आ गई हूँ। इससे अच्छा या इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, पर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि मरीना साइड बिल्कुल भी खाने पीने की जगह ही नहीं होगी।
रहने के लिए तो वो जगह बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस खाने पीने में थोड़ा सा हो गया इधर उधर। पर कोई नहीं, चलो इधर ही आ जाऊँगी और जिस दिन इधर नहीं आऊँगी उस दिन घर पे बना लूँगी। ये तो बहुत यार, मुझे बिल्ली से बड़ा डर लगता है, उसने कैसे शक्ल बनाई अभी। हेलो बाय। सो गाइज़, आज मैं आई हूँ ढाबा लेन और ये तो बड़ा सुंदर सा बना हुआ है, तो मैं यहाँ बैठकर खाऊंगी। सो गाइज़, यहाँ पे दावते इफ्तारी बोलते हैं वैसे, पर मुझे शायद मैं गलत हूँ तो सॉरी। तो यहाँ पे स्पेशल वेज मेन्यू दिया हुआ है जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें खा सकते हैं, है तो वैसे अच्छा, बट मैं अकेली हूँ तो मैं इतना सब खा नहीं पाऊँगी, तो हम नॉर्मल वाला मेन्यू देखेंगे इसमें क्या क्या है। चलो सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, ये इंडियन रेस्टोरेंट है पूरा। गाइज, आज फिर से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है और साथ में आप देखो कि मुझे क्या मिला है, ये प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। क्या है ये? चटनी। खा कर बताती हूँ कैसा है। इसको चटनी में डिप करो, इमली की चटनी है, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। गाइज, मैंने मंगाई है मैंगो लस्सी। अब इसको देख के मुझे काजल की याद आ गई है क्योंकि कुल्लड़ उसको बहुत पसंद है। गाइज, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों में दी जा रही है। अब इसमें देखो आप चपाती कैसी आई है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। और जो राजमे में सीटी थी ना वो यहीं लगी है, सब नहीं खा पाऊँगी तो मैं पैक करा लूँगी। सो गाइज़, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की और मैंने सोचा है कि मैं ट्रैम से मरीना जाऊं, तो देखते हैं, मैं इधर कभी गई भी नहीं हूं इससे। तो वैसे तो मैंने पूछा है, इसका भी ना सेम ऐसा ही है जैसे मेट्रो का होता है। तो सो गाइज, ऐसे मैंने ये वाला कार्ड पहले बनवाया था तब मेरा काम आ गया अभी, और इजी था वैसे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इधर से जाना है या उधर से जाना है, तो देखते हैं मैं इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, बात एक ही है क्योंकि दोनों सेम ही जगह जा रही हैं। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, तो मैं बस पहुँच जाऊँ सही सलामत, फिर आपको उधर ही जाकर मिलते हैं। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है गाइज, तो अभी 6 मिनट्स लगेंगे ट्रैम को आने में, तो मुझे वेट करना पड़ेगा तब तक। सो गाइस, ट्रेन से सिर्फ 3 दिरहम्स लगे हैं मेरे और मैं इस साइड आ गई हूँ। बस अभी मुझे बाहर निकलकर ये देखना है कि घर कितनी दूर यहाँ से। और गाइस, ट्रैम से आना बहुत ही सही डिसीजन था क्योंकि बहुत ही पास घर है और सही है, अब मैं जा सकती हूँ JLT, मुझे टेंशन लेने की JLT, हाँ मतलब खाना खाने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, मैं घर पहुँच गई हूँ और अभी ये व्लॉग तो इतना ज़्यादा लंबा हो गया, इतना ज़्यादा कि मुझे लग रहा है कि पूरा जो रूम टूर है आपको मुझे कल के व्लॉग में दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी पूरा ट्राई कर रही हूँ कि दिखा दूं, बट अगर नहीं आ पाया इस व्लॉग में तो फिर ये 2B continued ही होने वाला है। सो गाइस, अभी मैं जस्ट बाहर गई थी वही थोड़ा बहुत सामान लेने, क्योंकि अभी इस घर में शिफ्ट किया है तो फाइनली यहीं पे अब मुझे पूरा टाइम रहना है, पूरा टाइम मतलब जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं आपको इस व्लॉग में तो नहीं दिखा पाई ये पूरा जो रूम टूर है, तो मैं कल के व्लॉग में आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाऊंगी।
अभी मुझे सोना है, तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे ये मरीना ज़्यादा पसंद आया, वैसे JLT भी अच्छा था बट मरीना ज़्यादा अच्छा लगा घूमने में भी, और बाहर निकल कर आप बोर नहीं हो सकते। और अब तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई हैं, तो अब ईजी लग रहा है। तो वे लोग आपको कल से ब्लॉग देते हैं।